तो रोहतक से एक बड़ी जानकारी दर्शकों को दे दे। रोहतक में पूर्व उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी देवीलाल की प्रतिमा जो है वो गिरी है। गांव जसिया के पार्क में करीब 20 साल पहले ये प्रतिमा स्थापित की गई थी और देख रेख के अभाव में बताया जा रहा है कि ये प्रतिमा जर्जर हो चुकी थी। हालत प्रतिमा की खराब थी क्योंकि देख रेख का अभाव था। 4 महीने पहले ग्राम पंचायत ने सरकार को भी प्रस्ताव भेजा था इसे लेकर कि जो प्रतिमा है उसकी हालत जर्जर है। शिकायत के बावजूद भी प्रशासन ने कोई सुध नहीं ली। हालांकि सरकार को भी अवगत कराया गया प्रस्ताव भेजकर और प्रशासन ने इसके बावजूद भी कोई सुध नहीं ली है। हालांकि सुध लेनी चाहिए थी। प्रतिमा स्थापित जब की गई थी उसके बाद एक कर्तव्य बनता है प्रशासन का कि जो गवर्नमेंट बॉडीज होती हैं उनकी देखरेख करें, लेकिन प्रशासन ने कोई देखरेख नहीं की। कई महीनों से जर्जर हालत में प्रतिमा पहुंच चुकी थी। अगर देखरेख होती तो प्रतिमा इस समय बिल्कुल सही सलामत होती। ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको, जहां पर 20 साल पहले गांव जसिया के एक पार्क में स्थापित की गई थी, कई फीट ऊंची प्रतिमा थी और 4 महीने पहले आपको बता दें ग्राम पंचायत ने सरकार को प्रस्ताव भी भेजा था प्रतिमा की जर्जर हालत को लेकर, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई सुध नहीं ली गई। प्रशासन चाहता तो इस प्रतिमा को एक बार फिर से रेनोवेट कर सकता था ताकि प्रतिमा की जो हालत है वो सही बनी रहे, प्रतिमा खड़ी रहे। 4 महीने पहले ग्राम पंचायत ने सरकार को प्रस्ताव भी भेजा था। रोहतक से बड़ी जानकारी सामने आ रही है जहां पर शिकायत के बावजूद भी प्रशासन ने कोई सुध नहीं ली। देखरेख के अभाव के चलते ये जो प्रतिमा है वो गिरी है। बताया जा रहा है कि प्रशासन को अवगत कराया गया था, सरकार को भी प्रस्ताव भेजा गया था ग्राम पंचायत की तरफ से। हमारे साथ रोहतक ब्यूरो जुड़ चुके हैं देवेंद्र दांगे ज्यादा जानकारी के साथ। देवेंद्र, देखिए जिस तरीके से प्रतिमा की देख रेख के अभाव के चलते ये वाक्य पेश आया, निंदनीय लगता है क्योंकि गवर्नमेंट बॉडीज की जिम्मेदारी होती है प्रशासन की। जी बसंत, आपने बिल्कुल वाजिब फरमाया कि ये बड़ी दुखदायी घटना कही जाएगी कि एक किसान मसीहा जिसको माना जाता है, ग्रास रूट से जुड़े हुए एक नेता रहे थे चौधरी देवीलाल, एक बड़ा नाम रहा था, ताऊ के नाम से पूरे वर्ल्ड में ख्याति थी, उस शख्स की प्रतिमा जर्जर हालत में है। ग्राम पंचायत बार बार सरकार को गुहार लगाती है, बताती है, बाकायदा पंचायत प्रस्ताव पास करके भेजती है। 4 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया और आखिरकार जो अनहोनी जिसका डर पंचायत को भी था कि ये प्रतिमा गिर जाएगी, आखिरकार वही हुआ। वो प्रतिमा गिर गई और गिरने के बाद तमाम जो पुलिस अधिकारी हों या जो उनके वर्कर हैं, पार्टी वर्कर हैं, जैसे जो देवीलाल के जो भगत रहे हैं, काफी फॉलोइंग तो उनकी शुरुआत से थी, खैर उन लोगों को बड़ा दुख पहुंचा। वो लोग पहुंचे भी, रात को पुलिस पहुंची थी मौके पर ये देखने के लिए खासतौर से कि कहीं कोई किसी ने छाड़ तो नहीं गिरा दी, लेकिन गाँव वालों ने बताया कि ये काफी समय से जर्जर हालत में थी। करीब 20 साल पहले ये प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की गई थी। करीब 13 फीट की इसकी हाइट थी टोटल। और गांव वालों का कहना है कि पहले भी कई बार वो इस मामले में जिला प्रशासन के अधिकारी को जब भी गांव में किसी अधिकारी का दौरा हुआ तब बताया गया है। और पिछले 4 महीने पहले सरपंच ओम प्रकाश जसिया से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि 4 महीने पहले बाकायदा पंचायत का रेजुलेशन पास करके हम लोग डिप्टी चीफ मिनिस्टर को भेज चुके हैं जो कि उन्हीं के वंशज हैं। तो ऐसे में ये बड़ी दुखदाई है कि एक ऐसी महान शख्सियत की प्रतिमा की ढंग से अनदेखी होना, वो भी तब जो आप सत्ता में है, सवाल तो उठेंगे। जी ठीक है। रोहतक में अभी फिलहाल जो प्रशासन है देवेंद्र, उन्होंने कोई आश्वासन दिया कि प्रशासन की तरफ से जल्द जो है वो प्रतिमा को रेनोवेट किया जाएगा एक बार फिर से, कोई इस तरीके का आश्वासन? क्योंकि देखिए बहुत समर्थक रहे हैं चौधरी देवीलाल के ताकि उनको शांत किया जा सके, क्योंकि एक रोष तो होगा इस समय। जी बिल्कुल, देखिए लोगों में काफी रोष और गुस्सा इस चीज को लेकर बिल्कुल है। हमारी कई लोगों से बात, उन्होंने कहा कि हाँ। ये बड़ा दुखदाई है ये पल उन लोगों के लिए कि ऐसी महान शख्सियत की प्रतिमा की इस ढंग से अनदेखी की जा रही है। लेकिन खास बात ये भी है कि पुलिस तो रात को पहुंची है, पुलिस पहुंची ही ये देखने के लिए। बाकायदा ऐसे जो सदर जो पुलिस स्टेशन है वो लगता है यहाँ पे, वहाँ के इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी थे, वो गए थे रात को ये जांचने के लिए प्रतिमा कैसे गिरी है, कोई साजिश तो नहीं है। और उन्होंने जो प्रतिमा के टूटे हुए प्रतिमा के जो अवशेष थे वो साथ में दीवार के साथ रखवा दिए, कुछ फॉलोवर जो वहां पर आए हुए थे उनकी मदद से। लेकिन कोई उसके अलावा कोई आला प्रशासनिक अधिकारी फिलहाल तक गांव में पहुंचने की जहमत नहीं उठाई किसी ने, ये बड़ा दुखद ही कहा जाएगा। ठीक है देवेंद्र, आपने बताया कि देर रात पुलिस प्रशासन पहुंचा इस प्रतिमा के क्षतिग्रस्त होने के बाद, लेकिन लगता है आपको कि प्रशासन को पहले ही पहुंच जाना चाहिए था क्योंकि प्रशासन को अवगत तो कराया गया था?
जी बिल्कुल, देखिए प्रशासन को पहले ही जाग जाना चाहिए था। जो चार महीने पहले ग्राम पंचायत रेजोल्यूशन पास करके देती है, प्रस्ताव पास करके बाकायदा सरकार को प्रशासन को भेज चुकी है, उसके बावजूद अब तक आंख मूंद के प्रशासन क्यों बैठा हुआ, ये एक बड़ा सवाल है। और इसका जवाब हर वो आम आदमी मांग रहा है जिसकी चरासी भी चौधरी देवीलाल से एक लगाव रहा है। हर आदमी के जहन में ये सवाल जरूर है कि पंचायत द्वारा बाकायदा लिखित में प्रस्ताव पास करके दिया गया, उसके बावजूद अनदेखी क्यों हुई है, ये बड़ा सवाल है, सभी के जहन में है। इसका जवाब तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों को देना ही पड़ेगा। जी ठीक है देवेंद्र, बिल्कुल देखिए जिस तरीके से प्रशासन का रवैया अब तक देखने को मिला, क्या अभी भी सेम रवैया इख्तियार किया हुआ प्रशासन ने, या फिर कुछ बात कही गई है कि जल्द से जल्द जो है वो रेनोवेट किया जाएगा, या अभी भी प्रशासन का रवैया जस का तस आप देख पा रहे हैं? नहीं, फिलहाल तक की अगर बात करें कोई प्रशासनिक अधिकारी अभी तक गाँव में नहीं गया है, ये एक बड़ी बात है कि कल लेट इवनिंग में वो प्रतिमा गिर गई है भरभराकर, और उसके बावजूद 12 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन कोई प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस SHO को छोड़ दें तो दूसरा कोई अधिकारी वहां पर नहीं पहुंचा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये इतने एक महान शख्सियत, देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री, जमीन से जुड़े नेता थे चौधरी देवीलाल, लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई थी उनके साथ, और कोई प्रशासनिक अधिकारी अब तक नहीं पहुंचता है, घंटों हो गए हैं। तो जाहिर सी बात है, ये कहने में मुझे कोई हर्ज नहीं है कि प्रशासनिक अधिकारी बिल्कुल लापरवाह रवैया इस मामले में अख्तियार किए हुए हैं, जो नहीं होना चाहिए, और सरकार को भी कहीं ना कहीं इस मामले में कड़ा संज्ञान लेने की आवश्यकता है। बहुत बहुत बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र, आप जुड़े, आपने जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। तो भाई शिकायत की गई थी, सरकार से भी शिकायत की गई थी, देखिए हाल इस तरीके से बने हुए हैं, आप कुछ कीजिए, प्रस्ताव भी भेजा गया था, प्रशासन को भी अवगत कराया गया, लेकिन प्रशासन का कोई खास इस तरफ रवैया देखने को मिला नहीं, और नतीजन ये जो प्रतिमा बनी हुई थी वो टूट गई।